फ्रेंड, फिर से मेरा चैनल पे आप लोग को स्वागत है। आज एक स्मार्ट एलईडी टीवी में देखेंगे। इसका साउंड आ रहा है लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा है, पिक्चर थोड़ा हल्का सा आ रहा है। ये देख सकते हो, इसका बैकलाइट सही है, मदर सब कुछ इसका सही है, लेकिन ये देख सकते हो ऑन होके कुछ देर बाद चालू होता है फिर बंद हो जाता है। बैकलाइट मैंने चेक कर लिया, बैकलाइट हमारा सही है। ये बैकलाइट सेक्शन में हमारा कुछ ख़राब है, आप देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है, देखेंगे। मैंने इसका लूज़ भी बिल्कुल चेक कर लिया, ये सही है। लूज़ होने का दोबारा मैं चालू करके आपको दिखा देता हूँ। ये ऑन होता है फिर से ऑफ हो जाता है, देख सकते हो ऑन होते ही ऑफ हो जाता है, लेकिन इसका साउंड आते रहता है। चलो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं फटाफट। बैकलाइट का सेक्शन खोल लेंगे और ये साउंड रहा, साउंड का कॉर्ड। चलो इसको फटाफट खोल लेता हूँ। ये देख सकते हो इसका जो मेन कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर, ये लीक हो चुका है। कभी कभी सेक्शन में कैपेसिटर कुछ सही दिखता है लेकिन वो अंदर से ख़राब हो जाता है, तभी ये होता है, कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाता है। चलो मैंने सब निकाल लिया, अभी कैपेसिटर को चेंज करके देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। सिंपल सा हमारा 47 UF और 100 वोल्ट का लगता है ये कैपेसिटर। आपका पास है तो उसी की कैपेसिटी का वोल्ट का है तो लगा दीजिए, नहीं तो दूसरा कहीं बूढ़ से निकल के, पुराना वाला बूढ़ से निकल के यहाँ पर लगा दीजिए। मेरा पास अभी इस तरह का कैपेसिटर कुछ है नहीं जो कि मैं पुराना बूढ़ से निकल के इसमें लगा दूँगा। उससे पहले आपको ये कैपेसिटर निकालने के बाद क्या करना है बताता हूँ आपको। अच्छी तरह से डिसोल्डर से साफ करना चाहिए, जिस तरह की आर पार दिखे, नहीं तो इस तरह करोगे आपको टूट जाता है। कभी पतला ट्रैक रहता है ना, वो टूट जाता है, इसका वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। चल इसको हम निकाल लिया, ये देख सकते हो बिल्कुल होल हो चुका है इसका अंदर से, इसका वजह से हमारा बैकलाइट कुछ देर बाद चलने के बाद बंद हो जाता है। कभी कभी इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ये कैपेसिटर को आप चेंज कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम 99% आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो इसको फटाफट सबसे पहले डिसोल्डर से साफ कर लेते हैं। ये देख सकते हो इस तरह कुछ आर पार दिखना चाहिए, क्योंकि हमारा कैपेसिटर अभी लगाने में इजी रहेगा, नहीं तो थोड़ा शोल्डर रहेगा तो हम आगे पीछे करेंगे तो पीछे से ट्रैक टूट जाता है, और ट्रैक थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो फिर ये हमारा बोर्ड ख़राब हो जाएगी। देखो ये रहा पुराना बोर्ड, अभी एलईडी टीवी का पुराना बोर्ड आप ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि स्मार्ट टीवी का हो, नॉर्मल टीवी का भी वही कैपेसिटी में आता है। लेकिन सही से देख लेना, वो हमारा जो बैकलाइट सेक्शन है वो सेक्शन में आपको वो कैपेसिटर मिल जाएगा। मेरा पास ये बोर्ड ख़राब था इसलिए मैंने इसको निकाल लिया, ये अच्छा रहता है, बाहर का जो हमारा कैपेसिटर है उससे बेहतर रहता है। ये कंपनी का उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी कंपनी का एलईडी ट्यूब का बोर्ड हो उस तरह का कैपेसिटर आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो कंपनी का रहता है, थोड़ा अच्छा रहता है, लास्टिंग भी इसका बढ़ जाता है ज़्यादा। कभी कभी हमारा जो नया कैपेसिटर बाहर से हम खरीद के लाते हैं वो कभी कभी फूक जाता है। चलो इसको फटाफट लगा लेता हूँ। इसका सिंबल भी दिया रहता है, माइनस का माइनस साइड और प्लस का प्लस साइड लगाइए, उल्टा करके मत लगाइए। चलो इसको मैं फटाफट सोल्डिंग मार लेता हूँ। चलिए अभी बोर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी दोबारा जिस तरह निकाला था उस तरह फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद आपको दिखा दूँगा। चलो अभी देख सकते हो ये किस तरह हमारा लाइट चालू होते ही बंद हो जाता था, अभी बिल्कुल सही है।
चलो इसको बराबर पैक करके आपको फ्रंट साइड दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको पैक कर लेता हूँ। चलो इसको सप्लाई दे देता हूँ। अभी इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो पहले से हमारा जैसा ऑन होते ही कुछ देर बाद ऑफ हो जाता था, अभी ये देख सकते हो बिल्कुल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो फिल्टर ख़राब था हमें इसको चेंज कर लिया। ये बिल्कुल सिंपल सा है, कोई भी इसको आसानी से चेंज कर सकता है। चल आपको YouTube वगैरह सब निकाल के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। ये टीवी हमारा बिल्कुल अभी रेडी हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो में। थैंक यू।